शर्मा को एक ही संदेश है भाई साहब, बिंदास खेलो, जैसा इस वर्ल्ड कप में खेल रहे हो धज्जियां उड़ा दो, वर्ल्ड कप लेके आओ और अब सेंचुरी पक्की है। जीतेगा भाई, जीतेगा इंडिया, जीतेगा। तो क्रिकेट ज्ञान का कारवा इस समय आ पहुंचा है मुंबई, और मुंबई में होगी महाभारत और सामने होगी श्रीलंका की टीम। 2011 में श्रीलंका को इसी मैदान पर भारतीय टीम ने चारों खाने चित करते हुए वर्ल्ड कप जीता था। हालांकि ये लीग मैच है, लेकिन इस लीग मैच के भी अपने मायने हैं। इस मैच पर बातचीत करेंगे राम भाई, लगातार पूरे वर्ल्ड कप के दौरान हमारे साथ रहे और एक बार फिर वो हमारे साथ जुड़ गए। राम भाई, एक और मुकाबला, और आज तारीख भी 2 तारीख और उस दिन भी 2 तारीख थी 2011 में, उस दिन उस समय भी आप थे मैदान पर। बिल्कुल मैदान पर थे सर, और वो तारीख और आज की तारीख ऐसा लग रहा है कि वही पल दोबारा वापस आ रहे हैं। श्रीलंका सामने है और बस कप्तान चेंज है, क्योंकि उस टाइम महेंद्र सिंह धोनी थे, आज रोहित शर्मा है, लेकिन माहौल वही है, अंदाज वही है, स्टेडियम वही है। बस ये है, आज टीम इंडिया 6ठी जीत दर्ज करके यहाँ 7वीं जीत, क्योंकि धोनी 7 है और 7वीं जीत यहाँ पर दर्ज करके टॉप पर पहुँचेगा। फिर साउथ अफ्रीका की बारी, बहुत ऐतिहासिक स्टेडियम है, और क्योंकि कल सचिन तेंदुलकर का जो इनॉग्रेशन हुआ था, मैं यही आपसे पूछने वाला था कि सचिन के सामने क्या विराट सचिन के रिकॉर्ड की बराबरी कर पाएंगे? आज वानखेड़े आ रहे हैं सचिन मैच देखने, क्योंकि विराट पाजी का बर्थडे भी, अगर वो बर्थडे गिफ्ट सबको देते हैं तो यहाँ पे बहुत बड़ा मौका रहेगा उनके लिए। ऐतिहासिक स्टेडियम में सेंचुरी बने और सचिन पाजी की बराबरी हो और बहुत ही हिस्टोरिकल हो जाएगा, लेकिन शतक बनना तो तय है, क्योंकि जन्मदिन 5 तारीख को है, मनाया आज जाएगा अगर विराट पाजी का शतक। चलिए, तो क्योंकि राम भाई हमारे साथ है, कुछ इंपॉर्टेंट क्विज भी खेल लेते हैं। क्रिकेट ज्ञान और विकी स्पोर्ट्स के संयोजन से एक क्विज खेलते हैं, और जो सही नाम देगा उसको हम लोग क्रिकेट बॉल देंगे। हाँ राम भाई, गिफ्ट करते हैं। तो चलिए, कौन सबसे पहले जवाब देगा? चाहिए 2011 में जो आखिरी छक्का है किसने मारा था? वो धोनी ने। चलिए भाई, एक बॉल इनको दे दिया तुरंत। ये राम भाई देंगे, राम भाई, थैंक यू, थैंक यू। एक बार हाथ दिखाई उधर, जरा हाथ दिखा के, ज्ञान की तरफ से ले जाए। चलिए, अब और भी सवाल किया जाएगा। गौतम गंभीर ने फाइनल में 2011 में कितने रन बनाए थे? एक एक आराम से, 97 रन बनाए, 97 रन बना दीजिए भाई, इनको भी एक बॉल दीजिए फटाफट। राम भाई, एक सवाल आपकी तरफ से हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, एक सवाल जरूर रहेगा। बांग्लादेश को किसने रन आउट किया था T20 वर्ल्ड कप में? 2016 में। चलिए धोनी, आज ये सामने, इधर सामने आई, सामने इधर आई, तब मिलेगी बॉल, सामने ही मिलेगी। देखिए, ये विकी स्पोर्ट्स की तरफ से ये आपको बॉल दी जा रही। राम भाई, जरा इनको दें भाई, इन्होंने सवाल दिया है तो क्रिकेट ज्ञान की तरफ से इनको ये। चलिए, और भी भैया, आपसे भी एक सवाल होगा। फाइनल मैच में किसने सबसे ज्यादा विकेट लिया था इंडिया के लिए 2011 में? जाहिर खान। सब लोग यार दे रहे हैं, तो फिर एक आदमी को देना पड़ेगा ना। चलिए, आइए भैया, आप भी आ जाइए। चलिए बिल्कुल, तो ये देखिए, सब तमाम लोग और भी जुड़ रहे हैं। भैया, एक अगर रोहित शर्मा को आज कोई संदेश देना हो तो क्या संदेश देंगे? तो अच्छा संदेश देंगे तो बोल। रोहित शर्मा को एक ही संदेश है भाई साहब, बिंदास खेलो, जैसा इस वर्ल्ड कप में खेल रहे हो धज्जियां उड़ा दो, वर्ल्ड कप लेके आओ और अब सेंचुरी पक्की है, आज सेंचुरी पक्की है। चलिए, दो बच्चे हमारे साथ हैं जी, ये लीजिए, आप इधर आइए, अंदर आइए। आप विराट कोहली के लिए क्या संदेश है आपके लिए? विराट कोहली के लिए आपको क्या बॉल्स मिलेगी? चलिए, विराट कोहली आज सेंचुरी मारे जी, और अपने बर्थडे, जरा मास्क लगाइए फटाफट, मास्क लगाइए। ये देखिए, विराट कोहली का मास्क लगा लिया उन्होंने, आप देख सकते हैं, ये देखिए पूरा मास्क लगा के तैयार है, ये लीजिए आपके लिए बॉल गिफ्ट है। और भी तमाम सवाल है। राम भाई, आइए, जरा एक सवाल और जाए आपकी तरफ से। देखिए, एक और विराट कोहली के फैन आ गए। विराट कोहली ने अब तक कितनी सेंचुरी मारी है ओडीआई में? अंदर आइए, अंदर। चलिए, इनका भी सही है, तो दीजिए जरा एक बॉल इनको भी गिफ्ट करिए। तो ये विकी स्पोर्ट्स की तरफ से एक बॉल दीजिए। राम भाई, अब एक सवाल और आपकी तरफ से हो जाए जरा। मुंबई में सबसे ज्यादा इंडियन प्लेयर ने सबसे ज्यादा शतक किसने मारे हैं? सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर, ये बच्चे ने भाई जवाब दिया, सचिन तेंदुलकर। एक बॉल इनको भी दिया जाए भाई, एक रिस्टबैंड और एक बॉल लो बेटा। चलो, तो ये देखिए, लगातार यहाँ पर इनाम हम लोग दे रहे हैं, ढेर सारे इनाम भी दे रहे हैं। राम भाई बीच बीच में सवाल कर रहे हैं, कुछ सवाल मेरे भी रहते हैं। अब एक सवाल मुंबई को लेके और जरा पूछा जाए, सचिन तेंदुलकर ने किस साल रिटायरमेंट अपना लिया था, कोई बता दे अगर? तो चलिए, 2013। एक बॉल और दीजिए भाई, बड़ा सही जवाब दिया उन्होंने, एक रिस्टबैंड और एक ये आपके लिए। थैंक यू सर। आइए जरा, विकी स्पोर्ट्स की तरफ से आपको क्या कहेंगे विकी स्पोर्ट्स के लिए और क्रिकेट ज्ञान के लिए? थैंक यू सो मच। इंडिया मैच जीते, विराट कोहली ज्यादा रन बनाए, लेकिन इंडिया जीते। चलिए, तो ये तमाम जो छोटे छोटे फैंस हैं और सब लोग मैच देखने आए हैं राम भाई के साथ, हम लगातार एसोसिएट होके कर रहे हैं। राम भाई, एक सवाल और अगर आप पूछना चाहें कोई? बस सवाल तो बहुत हैं, लेकिन मैं लेजेंड एक इंसान के बारे में बोलूंगा। 2011 में मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन सा प्लेयर रहा था?
तो चलिए कोई हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं भाई, है ना। तो राम भाई चलते थे, एक जरा जयकारा हो जाए। जीतेगा भाई, जीतेगा इंडिया, इंडिया का नारा है वर्ल्ड कप, भारत माता की जय, इंडिया 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 इंडिया, कम ऑन इंडिया। तो आपने देखा किस तरह से यहाँ पर तमाम फैंस के साथ हमने क्विज भी किया, और ये क्विज लगातार आगे हम हर वेन्यू पे आप लोगों के साथ करते रहेंगे। अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन चलते थे एक बार जरा सब लोग जरा जोर से नारा लगे जिनको इनाम मिला है, फटाफट। इंडिया 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 इंडिया।